नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको लोटस टेंपल के बारे में बताऊंगा। लोटस टेंपल नेहरू प्लेस बस स्टैंड से बिल्कुल ही 500 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल का रास्ता मुश्किल से ही 5 से 7 मिनट है और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल जा सकते हो। और ये इसका मेन गेट है, आप देख रहे होगे, ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है मेन गेट है, एंट्री गेट। और इसका सर्दियों का टाइम भी और गर्मियों का अलग अलग टाइम है, ये आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर। 8 से 6 बजे तक ये गर्मियों का टाइम है और सर्दियों का है 8 से 5 बजे तक। और इसमें फ्री एंट्री है, कोई वो नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही। कोई वो नहीं, वो क्यों है अगर देख सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों ये मैं अंदर अभी एंट्री की है जाने के लिए, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत कम करने दे रहे हैं, इसलिए फिर भी मैंने तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, अंदर से देखने में चारों तरफ पार्क ही पार्क, एकदम बिल्कुल स्वर्ग के सा एहसास होता है। और अभी ये आप भी देखो, बहुत ही अच्छा सुंदर डिज़ाइन कमल के फूल की तरह ही बना है, और इसके चारों तरफ तालाब बने हुए हैं, तालाबों के अंदर पानी है, आप देख सकते हो। ये मैं जो दिखा रहा हूँ पीछे, ये तालाब है, और ये अंदर का दृश्य है, थोड़ा हा अंदर रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, अंदर की मनाई है। और ये आप देख सकते हो बाहर, ये तालाब है, पूरा तालाब ही तालाब है, चार तालाब है इसके बाहर के। और ये बिल्कुल ही जो ये पगडंडी है चारों तरफ इसके घूमने के लिए, आप देख सकते हो मैं घूम रहा हूँ अभी। और ये अभी मैं इसके चारों तरफ वॉकिंग कर रहा हूँ और दिखा आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और ये जो तालाब है ये बहुत स्वच्छ पानी है, इनमें दिल तो कर रहा था नहा लें पर उन्होंने मना किया कि अंदर नहीं घुसना है इसमें। और ये बाहर का दृश्य है बिल्कुल, और देखने पर तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और अंदर इसमें पूजा पाठ के लिए है। वैसे दोस्तों आप भी आओ घूमने के लिए, बहुत बढ़िया है, दिल खुश हो जाता है अंदर जाने बाद। ये इसका निर्माण भी 1986 में पूरा हुआ है, बन के तैयार हो गया था ये। और इस अभी तो इतनी भीड़ है, पर्यटक न्यू मतलब पता नहीं कितने गाते हैं। मैं तो शाम को 6 बजे गया था, 20 मिनट ही अंदर रह नहीं पाया, ज़्यादा टाइम रहा है नहीं। और ये आप देख लो इसकी चारों तरफ की हरियाली, और ये थोड़ा दूर से लिया हुआ सीन है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अति सुंदर। ये इसके चारों तरफ बांध बनाया हुआ है ताकि बाढ़ बूढ़ भी आ जाए तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया दिमाग लगा के बनाया हुआ है ये। इसमें कोई भी समुदाय के बंदे आ सकते हैं, भीतर आराम से अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई अंदर कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली चेयर लगी हुई हैं अंदर, स्टूल टाइप के, उसमें बैठ ही देख सकते हो। ये इसका बाहरी दृश्य, यहाँ फोटो वगैरह आप खींच सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अंदर का दृश्य नहीं लेने दे रहे। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी है आपको दिखाने के लिए, वो दिख रही है आपको पीछे तरफ, वो चेयर ही चेयर है, ये देखो पीछे आपको दिख रही होंगी, वो चेयर हैं स्टूल टाइप की गलियों जिसपे 4-5 बंदे बैठ जाते हैं। वो अभी जो बंदे गए थे अंदर वो आ रहे हैं बाहर। और ये सीढ़ियाँ हैं नीचे इसमें तालाब में जाने के लिए। और
बहुत बढ़िया, मनमोहक दृश्य है। देखो बहुत पर्यटक आ रहे हैं, देख सकते हो ये पूरा, इसके बहुत खुली जगह है, इसमें कम से कम भी होगा तो ये 10-15 किला माँ का है, और बहुत अच्छा बना रखा है, डिजाइन किया हुआ है। ये देखो चारों तरफ इसमें तालाब बना रखे हैं और पार्क है, पूरा घास बना रखा है, हरियाली है चारों तरफ, देख सकते हो आप। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। ये बिल्कुल कमल के फूल की तरह पंखुड़ियाँ हैं, अंदर से तो और भी अच्छा लगता है, अंदर बैठ के देखते हैं तो इसमें बिल्कुल शांत माहौल। मैं तो एक अंदर गया था अपने, एक हनुमान चालीसा का पाठ करके आया, पाठ करने बाद दिल खुश हो गया मेरा तो। अभी आप क्या करोगे, आप आते हो तो देखना। अभी बस इतना टाइम उन्होंने दिया था भाई, अभी वापिस चल रहा हूँ मैं, अभी मैं बैक साइड के सीन अभी चलते हुए बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। लेकिन है बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया था दिल्ली में रहते हुए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और ये देखो पीछे पार्क, क्या सुंदर दृश्य है। ये देखो पार्क ही पार्क, दूर से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जानू कमल का फूल खिला हुआ है। ये देखो पीछे तक, और अभी तो बहुत फूल खिले हुए हैं, इतनी गर्मी में भी बहुत मेहनत करते हैं काम करने वाले बंदे जिन्होंने इतनी हरियाली। ये देखो अभी कितना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो आप। शाम को 6 बजे इन लास्ट टाइम है इसको एंट्री का, उसके बाद फिर 6:30 तक किसी को अंदर नहीं रहने देते, सभी को बाहर कर देते हैं। ये आप देख सकते हो, आप इसकी बाहर से वीडियो बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, लेकिन अंदर जो इसका वो है वहाँ पर वीडियो नहीं बनाने देते, वहाँ पर अलाउड नहीं है। बोल रहे थे कि भाई यहाँ अंदर नहीं बना सकते आप वीडियो, बाहर से खींच सकते हो। देख सकते हो आप सूरज दिन छपने को हो रहा था जब भी गया था मैं, और ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। पर्यटक बहुत जाते हैं, अभी तो भीड़ लगी रहती है। ये देखो घूमने के लिए पगडंडिया है पार्क में, आप चारों तरफ घूम सकते हो, लेकिन बहुत बढ़िया दृश्य है। आप भी आओ, बच्चों को लाओ, घुमाओ, बिल्कुल ही नज़दीक है। अगर आप मेट्रो स्टेशन से आना चाहते हो तो कालका जी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल ही उसके पास ही है, लोटस टेम्पल के पास। और अगर बस में आते हो तो नेहरू प्लेस का बस स्टैंड से आप 5 मिनट की दूरी से ही अपने पैदल भी आ सकते हो, कोई वो नहीं है ज़्यादा। आपको जो भी सूटेबल करे, मेट्रो करे तो मेट्रो में आओ, बस सूट करती है तो बस में आओ, लेकिन आओ देखो, देखने की चीज़ है। ये देखो पर्यटक अभी ये सभी को भी बार कर रहे हैं भाई, अभी 6:30 हो गए हैं, 6:30 के बाद किसी को नहीं रहने देते अंदर, सभी को बाहर कर देते हैं। तो अभी ये वापसी चलते चलते मैं बना रहा था, मैं अभी बाहर चलते चलते दिखा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मनमोहक दृश्य, ये अभी बिल्कुल ही बाहर आ रहे हैं, अभी ये गेट के पास से शूट किया था मैं दूर से,
ये देखो कितने बिल्कुल गेट के पास आ गए, 400 मीटर करीब वहाँ से लिया हुआ है ये। और इसमें लाइटिंग का भी बहुत बढ़िया सिस्टम है, पूरी सौर ऊर्जा लगाया हुआ अंदर, सौर पैनल से ये पूरी लाइटिंग का सिस्टम ले रखे उन्होंने। और ये देखो अभी बहुत ही फूल खिले हुए चारों तरफ, सुंदर सुंदर दृश्य हैं। और ये बिल्कुल ही, मैं अभी बाहर गेट के पास आ गया हूँ, बिल्कुल ही आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा दृश्य है। और पर्यटक बहुत आ रहे हैं, बहुत देखने के लिए आते हैं, आप भी आओ, बच्चों को घुमाओ, देखने की चीज़ें हैं ये बहुत बढ़िया। और आज धूप भी निकली हुई थी इसलिए, और गर्मी तो है लेकिन कोई वो नहीं, इतना घूमने फिरने के लिए गर्मी कुछ मायने रखती। और ये अभी बिल्कुल ही मैं गेट के पास आ गया हूँ, आउट गेट के पास, ये वहाँ से की सीनरी है। ये देखो सब यहाँ इकट्ठे होने लग रहे हैं अभी गेट के पास ही। ये मेन गेट है यहाँ से आउट होने का। और ये कालका जी का मेट्रो स्टेशन आ गया अभी यहाँ पर, देख सकते हो आप। और ये मेट्रो स्टेशन के पास ही बिल्कुल ही पार्क बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है। ये देखो छतरी नुमा पता नहीं क्या लगाया हुआ है उन्होंने मेट्रो वालों ने, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये देखो दूर से दिख रही है अभी। और ये कुछ फोटोज़ मैंने खींचे थे तो मैं ये भी डाल देता हूँ, तो ये वहीं के शूट किए हुए हैं। तो आप भी आओ दोस्तों, दिल्ली घूमो, बहुत अच्छा लगता है और दिल खुश हो जाता है जब हम लोटस टेम्पल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली बार कहाँ की वीडियो चाहिए वो शूट करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों। तीन मच्छर बैठ गया सारे उड़ा दिए।